हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे 6:30। सी द क्लाउड, ओ वाओ, सच अ नाइस डे। सो अभी गुब्बो एंड रकू द बोथ आर स्लीपिंग, तो हमने सोचा थोड़ा बाहर घूम लें, हमारे प्लांट्स देख लें। तो टमाटर का प्लांट बड़ा तो हो गया, बट इसमें पता नहीं कब टमाटर आएगा। सी ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ये देखिए मेरे घर में कैसे मॉर्निंग होती है, देखो। Wow, very nice Google. अच्छा, वो ऐसे करो होट जैसे उसने कर रखा है। वाह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गब्बू। ओए, अरे 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 अरे, गुड गर्ल गब्बू। वाह, यम यम, बोलो यम यम। व्हाट यू आर ईटिंग गब्बू? बबू। व्हाट यू आर ईटिंग? कच्चू। कच्चू। ओह, नाउ मम्मा विल गेट हाइड। ओके, यू गो काउंट, count, you go count, count. Mama one. Yes, yes, go. Mama one. Okay, okay, okay. Count. Mama one. Okay, okay, count, count. One, two. Mommy, dear. Mama. Uh-huh. Okay, okay, it's okay. Eat, eat, eat. सो गाइस, टुडे इज रियली सैड डे। मैं गुब्बू को लेके नीचे आई हूँ, और अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे गुब्बू के डैड ने कॉल किया कि उनका एक्सीडेंट हो गया। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज सेकंड टाइम ही मेट विद एन एक्सीडेंट, एंड ही इज कमिंग अभी बाइक को सर्विस सेंटर पे। वहाँ पे बुलाया लोगों को, लोग लेके गए हैं और ड्रेसिंग वगैरह करा के आने वाले। तो आई डोंट नो, आई वॉज फीलिंग वेरी सैड। और गुब्बू तो बहुत छोटी है, वो उसको क्या ही रियलाइज होगा। तो फिर भी मैं उसको लेके नीचे आई हूँ ताकि वो अपना खेले और मैं थोड़ी देर चुपचाप बैठूँ। होप ही इज फाइन। ये आ गए अभी रखू घर, और ये देखो कितनी ज्यादा चोट लग गई है, पूरा एक्सीडेंट हो गया। और गुब्बो को देखो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और ये बैग का हाल इतना खराब, जो मैंने सब खाना बना के दिया था सब टूट गया अंदर, पूरा का पूरा कांच दे देखो टूट गया। हैं, मूंगफली वाला नहीं टूटा, इधर एक्सीडेंट हो गया है। अगर मूंगफली वाला निकाल दो खा लेते हैं, देख लिया उसमें कांच वाच तो नहीं लगा है, पता चले हाथ छिल रहा है। धुल दो ना गुब्बू, डाडा का एक्सीडेंट हो गया है ना, इनको पता क्या। हाँ, बाबू को दे रही हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं, बाद में आपसे बात करते हैं। सो गाइज, यू कैन सी रक्कू का जो लंच बॉक्स है वो काफ़ी ब्रेक हो गया था बिल्कुल ही, जो मिरर का है। तो मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको इसे थ्रो करना है। ये जो कांच लेना है ये आपको एक सेपरेट बैग में डालना है, और ये जो बचा हुआ खाना है इस कांच से निकला हुआ उसे एक सेपरेट बैग में डालना है, ताकि ये कोई भी किसी भी एनिमल्स को ना दे दे। इसमें छोटे छोटे ये जो कांच के टुकड़े हो सकते हैं, जिससे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्म हो जाता है, उन बेचारे लोगों को पता नहीं होता और उनके पूरे फेस कट जाते हैं। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ हैं ऑनलाइन भी, तो आपको जब भी ऐसा कुछ चांस मिले या फिर आपके घर में ऐसा कुछ ब्रेकिंग हो, तो आप बहुत ही सेपरेटली अलग अलग पैक में पैक करके उसे थ्रो कीजिए, अगर आप खुद थ्रो करते हैं। और अगर आप खुद से थ्रो नहीं करते हैं, तो आपके यहाँ जो भी काम वाली दीदी आती हैं
उनको बताइए कि ये अलग अलग बैग में डायरेक्ट डस्टबिन में ही डालना है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को हर्ट होने से बचा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा, इट वॉज रियली थैंकफुल टू गॉड कि हाँ इतनी ज़्यादा सीवियर चोट नहीं आई रुकू को, एंड ही इज़ क्वाइट फाइन। सो आज का ब्लॉग काफ़ी छोटा रहा क्योंकि मेरा इतना मन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ भी शूट करूँ, ही इज़ नॉट वेल। सो एनीवेज जो होता है मेरा तो मतलब बीपी डाउन हो जाता है ऐसा कुछ देखने के बाद, तो गब्बू को हम दोनों ही क्वाइटली धीरे धीरे हैंडल कर रहे थे। एंड गब्बू इज़ रियली वेरी स्मार्ट कि वो समझ रही थी कि हाँ घर में टेंशन है, एंड शी वॉज सपोर्टिंग एज वेल। सो दैट्स ऑल फॉर द ब्लॉग, एंड नेक्स्ट ब्लॉग आएगा जल्दी। सो उसके लिए आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, शेयर, एंड नेवर फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। बाय बाय। अच्छा तेरा टीवी बंद, नो टीवी।